Students, I am your Anu ma'am. Hope you are doing well. In this video, we will discuss about Marvel Practice Papers, Standard 10, Sample Paper 6, Science, Code 011. इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाला के सभी साइंस सैंपल पेपर के सॉल्यूशंस के वीडियो का लिंक दिया हुआ है और एक मैथ सैंपल पेपर जो कि GSEB की तरफ से रिलीज हुआ था उसके भी सॉल्यूशंस के वीडियो का लिंक दिया हुआ है। साथ में चैप्टर वाइज साइंस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का भी लिंक दिया हुआ है, आप वहां से इन सब वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में मार्बल के प्रैक्टिस पेपर का सॉल्यूशन करते हैं। सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट होते हुए 24 तक का क्वेश्चन होगा। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क मिलेंगे और टोटल 24 मार्क्स के क्वेश्चन सेक्शन ए में होंगे। सो चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट मींस कि एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। ऑप्शन ए कोरोजन ऑफ आयरन, ऑप्शन बी कटिंग ऑफ ट्री, ऑप्शन सी रनिंग ऑफ बाइक, ऑप्शन डी टियरिंग ऑफ पेपर। आंसर विल बी ऑप्शन ए कोरोजन ऑफ आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 1। आंसर विल बी ऑप्शन ए 4। एंड रीजन इज दिस। कुछ क्वेश्चंस के लिए मैं रीजन भी दूं तो आप वीडियो को पॉज करके रीजन को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच केमिकल सब्सटेंस इज यूजफुल फॉर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए KOH, ऑप्शन बी HCl, ऑप्शन सी H2SO4, ऑप्शन डी HNO3। आंसर विल बी ऑप्शन ए KOH एंड रीजन इज दिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट फ्यूल फॉर एनवायरमेंट। ऑप्शन ए पेट्रोल, ऑप्शन बी डीजल, ऑप्शन सी केरोसिन, ऑप्शन डी CNG। आंसर विल बी ऑप्शन डी CNG। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरेश हैज नो मैचस्टिक टू बर्न अ पेपर। व्हाट कैन बी यूज्ड फ्रॉम द फॉलोइंग टू बर्न द पेपर। ऑप्शन ए क्यूब ऑफ ग्लास, ऑप्शन बी कॉन्वेक्स मिरर, ऑप्शन सी कॉनकेव मिरर, ऑप्शन डी कॉन्वेक्स लेंस। आंसर विल बी ऑप्शन डी कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू वांट स्पेक्ट्रम ऑन व्हाइट स्क्रीन, व्हाट विल यू यूज। ऑप्शन ए फ्लैट मिरर, ऑप्शन बी प्रिज्म, ऑप्शन सी डायमंड, ऑप्शन डी BNC। इट मींस प्रिज्म एंड डायमंड बोथ। आंसर विल बी ऑप्शन डी BNC बोथ। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स सो एज टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। फिल इन द ब्लैंक्स में भी ऑप्शंस दिए होंगे और आपको उन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करके फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना होगा ताकि वो स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। सो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक, CH2 डबल बॉन्ड CH2 डैश टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन कॉम्बिनेशन एंड ऑप्शंस आर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। आंसर विल बी अनसैचुरेटेड एंड रीजन इज दिस। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ रेकरेंस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिमेंट्स आर रेकरिंग टू देयर डैश। ऑप्शंस आर एटॉमिक नंबर और एटॉमिक फोर्स। आंसर विल बी एटॉमिक नंबर एंड रीजन इज दिस। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स, डैश सेल्स कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फोरामेन। ऑप्शंस आर गार्ड सेल और सुपरफिशियल सेल और एरोबिक सेल। आंसर विल बी गार्ड सेल। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक, इफ द पॉलन सेट्स ऑन द पॉलिनेशन ऑफ द सेम फ्लावर इट इज डैश टाइप ऑफ पॉलिनेशन। ऑप्शंस आर सेल्फ पॉलिनेशन और पॉलिनेशन ऑन बायसेक्सुअलिटी। आंसर विल बी सेल्फ पॉलिनेशन एंड रीजन इज दिस। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन इज 1.44। इफ द रे ऑफ लाइट एंटर्स वाटर फ्रॉम एयर एंड एंटर्स केरोसिन फ्रॉम एयर it will be refracted in dash medium. Options are water or kerosene. Answer will be kerosene. Next fill in the blanks, dash process is done to get nuclear energy. Options are nuclear transfer or nuclear fragmentation. Nuclear fragmentation ka meaning hota hai nuclear fission. So answer will be nuclear fragmentation. And reason is this. Now next type of question, state whether the following statements are true or false. First statement, Newland imagined that only 56 elements exist in nature. This statement is true. Next statement, in insects, eye also gets extensive adaptation as wings. This statement is true. Next statement, speed of light is faster in kerosene than turpentine.
दिस स्टेटमेंट इज ट्रू एंड रीजन इज दिस. नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट, सोलर कुकर वर्क्स ऑन द थ्योरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड रीजन इज दिस. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एज डायरेक्टेड. सो फर्स्ट क्वेश्चन, इफ देयर इज नो सेरेब्रल आर्टरी अराउंड ब्रेन व्हाट विल हैपन. आंसर, द सेरेब्रल कॉर्टेक्स प्लेज अ क्रूशियल रोल इन नियरली ऑल ब्रेन फंक्शंस. इफ देयर इज नो सेरेब्रल आर्टरी अराउंड द ह्यूमन ब्रेन इट कैन कॉज अ पर्सन मेनी कॉग्निटिव सेंसरी एंड इमोशनल डिफिकल्टी ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग. Now next question, what type of organ can be called the frontal appendage of bird and frontal appendage of a bat? Answer will be homologous organs. And reason is this. Now next question, if we keep cutting the tail of rat for some generations, can we get their future progeny without tail? Why? Answer, a rat can live a normal life even without its tail. Many times rats get their tail amputated by people or predators, but they can still survive. Although able to adapt, a tailless rat is more at a disadvantage than one with a tail. So cutting off tail for several generations will not produce a generation without tail because it's not affecting its survival. Now next question, state the unit of electric current. Answer, the unit of electric current is ampere and it is denoted by capital A. Next question, which is one of the important source of energy between coal and CNG? Answer, the important source of energy is CNG. Next question, write the full form of CFC. Answer, the full form of CFC is chlorofluorocarbon. CFC ke jagah par CFCs bhi ho sakta hai, yani C ke baad chota sa S bhi likha ho sakta hai. उस केस में आप इस फुल फॉर्म के बाद यहाँ एस लगा देंगे, यानी कार्बन के बाद एस लग जाएगा, कार्बन्स हो जाएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अमृत भाई गोज शॉपिंग इन द मार्केट द शॉप कीपर पैक्स द गुड्स इन प्लास्टिक बैग. अमृत भाई रिफ्यूज टू कैरी गुड्स इन प्लास्टिक बैग्स. व्हाट इज दिस अप्रोच टू एनवायरमेंट. आंसर, प्लास्टिक बैग्स हैव बीन नोन टू कॉज अ लॉट ऑफ एनवायरमेंटल डैमेज. The more plastic bags you use, the greater the chances of environmental damage. So basically, Amrit Bhai is adopting the approach of refuse. Now next question, match the given pair properly. Ye 24th question mein match the following aayega. Okay? In group A, there are endocrine glands and in group B, there are functions. So first gland is adrenaline and next is insulin. And first function is regulates the amount of sugar in blood. Next function is controls growth and development of body. Next function is increase the heart rate. So for adrenaline, function will be increase the heart rate. Next, for insulin, function will be regulates the amount of sugar in blood. And reason is this. Now section B. Section B mein total 12 questions honge, jisme se aapko 9 questions ko solve karna hoga. और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और सेक्शन बी में टोटल 18 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन बी, कंप्लीट एंड बैलेंस द गिवन रिएक्शन. एंड रिएक्शन इज NaOH विद एक्वस स्टेट प्लस Zn विद सॉलिड स्टेट इट गिव्स डैश. आंसर विल बी 2NaOH विद एक्वस स्टेट प्लस Zn विद सॉलिड स्टेट इट गिव्स सोडियम जिंकेट विद सॉलिड स्टेट प्लस H2 विद गैसियस स्टेट. साथ में आप इसके नाम को भी लिख दीजिएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट एनी फोर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. सो आंसर, फर्स्ट प्रॉपर्टी लस्ट्रस, देन मैलेबिलिटी, देन कंडक्टिविटी, देन डक्टिलिटी. और फिर सबको एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर देंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी टू लिमिटेशंस ऑफ डॉब्रेनियर क्लासिफिकेशन. सो फर्स्ट लिमिटेशन इज ही कुड फाइंड ओनली 3 ट्रेड्स फ्रॉम ऑल द एलिमेंट्स नोन. Second limitation, all known elements could not be classified into groups of traits on the basis of their properties. Now next question, what criteria did Mendeleev consider to prepare his predictable? Answer, Mendeleev used atomic mass of the elements as the criteria of the elements. He proposed that the chemical properties of elements are the periodic function of their atomic masses. So he arranged the element in the increasing order of their atomic masses.
टू मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए यहाँ से यहाँ तक ही काफी है, लेकिन आप चाहें तो इस लाइन को भी ऐड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस व्हेन द टेस्टिकल्स डू नॉट फॉल इन द स्क्रॉटम। आंसर, अ टेस्टिकल्स दैट डज नॉट ड्रॉप इनटू द करेक्ट प्लेस इन द स्क्रॉटम कुड बिकम डैमेज्ड। दिस कुड लीड टू इनफर्टिलिटी, दिस मीन्स नॉट बीइंग एबल टू हैव चिल्ड्रन later in life or to other medical problems like torsion of testes and testicular cancers. Now next question, explain the phenomenon of gender determination in humans. And answer is this, the sex of child depends on what happens at fertilization. First point, if a sperm carrying X chromosomes fertilizes an ovum or egg which carries X chromosomes, then the child born will be a girl. This is because the child will have XX combination of sex chromosome. And second point, if a sperm carrying Y chromosome fertilizes an ovum or egg which carries X chromosome, then the child born will be a boy or male. This is because the child will have XY combination of sex chromosome. और इस क्वेश्चन के लिए आप इस डायग्राम को बना सकते हैं या फिर आपको ये डायग्राम इजी लगे तो आप इस डायग्राम को बना सकते हैं, दोनों में से किसी एक डायग्राम को बनाना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द टू एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग ऑब्स्टिकल्स इन पैरेलल टू द सर्किट। एंड आंसर इज दिस, टू एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग ऑब्स्टिकल्स इन पैरेलल टू द सर्किट आर, फर्स्ट एडवांटेज, द करंट इज डिवाइडेड थ्रू आउट ऑल द इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। सेकंड एडवांटेज, इफ वन ऑफ द डिवाइस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन फ्यूजेस or fails, then the other devices keep working without being affected. Now next question, give the definition of electrical potential and state its SI unit. Answer, the potential difference between two points in an electric circuit is defined as the amount of work done in moving a unit charge from one point to the other point. That is, potential difference equals to work done divided by quantity of charge moved. The SI unit of potential difference is volt, which is denoted by the letter capital V. Now next question, state the characteristic of magnetic field lines. So answer, first characteristic, magnetic lines do not intersect with each other. Second characteristic, magnetic field lines emerge from the North Pole and merge to the South Pole. Third characteristic, the direction of field lines inside the magnet is from the South Pole to the North Pole. Now fourth characteristic, field strength is proportional to the line density. Now next question, how does the ozone layer decompose? Explain. Answer, ozone decomposition or depletion occurs when chlorofluorocarbons and halons gas formerly found in aerosol, spray cans and refrigerants are released into the atmosphere. Two lines के answer के लिए इतना ही काफी है, लेकिन आप चाहे तो इन lines को भी लिख सकते हैं, okay? Next question, which are the five types of R to save the environment? Explain. And answer is this, ये भी 2 marks का question है, इसके लिए हम पहले 5 R's को लिख देंगे और उन 5 R's को एक एक लाइन में या दो दो लाइन में डिफाइन कर देंगे, ओके? तो नोट कर लीजिए. और इस 5th R जो कि रिकवर है, इसकी जगह पर हम लोग रेसिड्यूअल मैनेजमेंट भी लिख सकते हैं, तो आप चाहे तो इस पॉइंट को लिख दीजिएगा चाहे फिर इस पॉइंट को, ओके? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव 2 examples ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड आंसर इज दिस। इन दोनों पॉइंट्स को आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, ओके? नाउ सेक्शन सी, सेक्शन सी में टोटल 9 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको 6 क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा और हर एक क्वेश्चन 3 marks के होंगे और सेक्शन सी में टोटल 18 marks के क्वेश्चन होंगे। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन सी, व्हाट इज सिंथेसिस प्रोसेस? एक्सप्लेन बाय गिविंग 1 chemical equation। सिंथेसिस प्रोसेस का मीनिंग होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ओके? एंड आंसर इज दिस, सो नोट डाउन, एंड रिएक्शन इज दिस, ओके? Now next question, explain how the extraction of metals at the top of the activation range is done. Explain by giving example. And answer is this. So note down, science ke question mein koshish kijiyega ki kuch particular words ko highlight kar dijiyega ya fir underline kar dijiyega.
इससे मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। ओके, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग यहां से यहां तक लिख देंगे। यदि आपको लर्न होता है तो आप इन लाइंस को भी ऐड कर देंगे, या फिर यही क्वेश्चन यदि 4 मार्क्स में आता है तो इन सब को लिख देंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन अलॉय, नेम एनी 2 अलॉयज एंड देयर कंपोनेंट्स। सो आंसर, अलॉयज आर द सॉलिड मिक्सचर ऑफ 2 or more metals। दे आर मेड बाय फर्स्ट मेल्टिंग द कंस्टिट्यूएंट मेटल्स एंड देन मिक्सिंग देम थ्रूली इन द फिक्स्ड प्रोपोर्शंस। And these are the examples of alloys. And these are the composition. So note down. Now next question. Describe the structure of the human brains. And answer is this. इसके लिए हम लोग point wise इसके structure को लिख देंगे और बाद में brain के diagram को भी बना देंगे. Okay? और जब भी किसी point को लिखेंगे तो आप उसे underline कर दीजिएगा. So note down. और इसके बाद ये डायग्राम को बना दीजिएगा। जरूरी नहीं है कि आप ब्रेन का यही डायग्राम बनाएं, यदि किसी बुक में इससे इजी डायग्राम हो तो आप उसे भी बना सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई रिप्रोडक्शन बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज नेसेसरी। सो आंसर इज दिस, नोट कर लीजिए आंसर को। इसी तरह से जब भी आप आंसर लिखे तो कुछ लाइन को हाईलाइट कर दीजिए, कुछ को अंडरलाइन कर लीजिए। ओके, इससे टीचर का ध्यान उस पर्टिकुलर लाइन या वर्ड्स पर जाता है जहां आप या तो हाईलाइट किए या फिर अंडरलाइन किए, और वो पॉइंट यदि करेक्ट है तो आपको मार्क्स फुल मिल जाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजनरेशन एंड रिप्रोडक्शन आर नॉट सेम, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल। सो आंसर इज दिस, इस क्वेश्चन के आंसर को हम लोग पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं और कॉलम बना के भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पैराग्राफ में लिखी हूँ, 2 पॉइंट्स दी हूँ और दोनों ही पैराग्राफ में लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट, The regeneration is a process of asexual mode of reproduction, whereas the reproduction can be asexual or sexual. Example, tail of a lizard can be regenerated. Now, second point, in regeneration, only one parent is involved to produce the progeny organisms, whereas in reproduction, one or more parents are involved to produce the organisms. Now, next question. What is the refraction of light? Write 2 laws of refraction of light. जब लाइट के इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 2 अलग अलग टर्म होते हैं, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। क्या पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा। सो आंसर इज दिस, पहले हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को डिफाइन कर देंगे और उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को लिख देंगे। ओके, नोट डाउन। Now next question, what is the power of the lens? State the SI unit of the power of the lens and write the formula showing the relationship of power with the focal length of lens. And answer is this. Okay, सबके letter को भी लिख दीजिएगा किससे उसे denote किया जाता है। Now next question, an electric bulb with 20 ohm resistance and a resistor with 4 ohm resistance are connected in parallel in the electric circuit. अब इसी सेम क्वेश्चन को हम लोग पैरेलल के जगह पर सीधी सीधी कर लेते हैं तो क्वेश्चन बदल जाता है। ओके, यानी कि सारे सेंटेंस एंड वैल्यूज सेम होंगे लेकिन पैरेलल के जगह पर सीरीज लिख देंगे। Now first part of the question, find the total resistance of circuit. Second part of the question, find the current flowing from the circuit. And third part of the question, calculate the potential difference across electric bulb. अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व 2 तरीके से करेंगे, जब कनेक्शन पैरेलल में दिया हुआ है तब, और जब कनेक्शन सीरीज में दिया हुआ है तब। यानी कि हमारे पास सॉल्यूशन 6 होंगे। पहले फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन को पैरेलल कनेक्शन के लिए सॉल्व करेंगे और फिर इसी पार्ट को सीरीज कनेक्शन के लिए सॉल्व करेंगे। इसी तरह से सेकेंड पार्ट के क्वेश्चन को पहले पैरेलल के लिए सॉल्व करेंगे फिर सीरीज के लिए सॉल्व करेंगे। फिर थर्ड पार्ट के क्वेश्चन को भी पहले पैरेलल के लिए सॉल्व करेंगे और फिर सीरीज के लिए सॉल्व करेंगे। तो हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले गिवन लिख देंगे, गिवन में R1 का वैल्यू है 20 और R2 का वैल्यू है 4। यहाँ क्वेश्चन में एक बार देख लेते हैं, R1 का वैल्यू है 20 ओम एंड R2 का वैल्यू है 4 ओम। नाउ फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, फॉर पैरेलल कनेक्शन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। क्योंकि हम लोग पैरेलल कनेक्शन का सॉल्व कर रहे हैं तो फॉर्मूला आ जाएगा 1/RP = 1/R1 + 1/R2, और फिर इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे।
जहाँ R1 का वैल्यू है 20 और R2 का वैल्यू है 4। फिर 20 और 4 का एलसीएम निकालेंगे जिसका वैल्यू हो जाएगा 20 और फिर इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 1/RP = 1+5/20। फिर इसे जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/RP = 6/20। चूंकि ये 1/RP का वैल्यू है इसलिए RP का वैल्यू हो जाएगा 20/6। इसको रिवर्स कर दिया गया, ओके। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो RP का वैल्यू आ जाएगा 3.33। चूंकि हम लोग रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं इसलिए यूनिट हो जाएगा ओम। अब हम लोग सेम सॉल्यूशन सीरीज कनेक्शन के लिए कर रहे हैं। चूंकि सीरीज कनेक्शन के लिए टोटल रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं इसलिए फॉर्मूला लेंगे RS = R1+R2 और फिर दोनों का वैल्यू पुट कर देंगे, R1 का वैल्यू 20 और R2 का वैल्यू 4, और इसे ऐड कर देंगे तो सीरीज कनेक्शन के लिए रेजिस्टेंस का वैल्यू आ जाएगा 24। चूंकि हम लोग रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं तो यूनिट लगा देंगे ओम। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, करंट फॉर पैरेलल कनेक्शन। सो वी नो दैट V = IR। अब इस फॉर्मूला में हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी कि V का वैल्यू पुट कर देंगे और R का वैल्यू पुट कर देंगे, जो कि हम लोग को पता है कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में बैटरी का वोल्टेज होता है 6। इसलिए हम लोग V के जगह पर 6 लिख देंगे, I हमें निकालना है और R का वैल्यू लिख देंगे 3.33। क्योंकि पैरेलल कनेक्शन के लिए जो R का वैल्यू निकला था वो था 3.33। और फिर इसे सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा I = 6/3.33 और जब इसे सॉल्व करेंगे तो उसका वैल्यू आ जाएगा 1.8। क्योंकि हम लोग करंट निकाल रहे हैं इसलिए यूनिट लगा देंगे एम्पियर। अब हम लोग करंट सीरीज कनेक्शन के लिए निकाल रहे हैं। फॉर्मूला हम लोग सेम लेंगे V = IR और फिर इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे, जहां V का वैल्यू आ जाएगा 6, I हमें निकालना है और R का वैल्यू आ जाएगा 24। क्योंकि जब हम लोग सीरीज कनेक्शन के लिए R निकाले थे तो 24 आ रहा था, ओके। और नेक्स्ट स्टेप में चूंकि हम लोग को करंट निकालना है तो वैल्यू हो जाएगा I = 6/24 और जब इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 0.25। चूंकि हम लोग करंट निकाल रहे हैं तो उसका यूनिट लिख देंगे एम्पियर। एम्पियर को हम लोग इस तरह से शॉर्ट में लिख सकते हैं AMP या फिर कैपिटल A करके ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके, क्योंकि एम्पियर को A से सिंबलाइज किया जाता है। नाउ थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बल्ब फॉर पैरेलल कनेक्शन। सो वी नो दैट V1 = V = वोल्टेज ऑफ द बैटरी एंड दिस = 6 वोल्ट। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बल्ब फॉर सीरीज कनेक्शन, इसके लिए हम लोग फॉर्मूला लेंगे V = IR1, क्योंकि हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस बल्ब के अक्रॉस में निकालना है, ओके। और फिर इस फॉर्मूला में वैल्यू को पुट कर देंगे तो जहां I का वैल्यू है 0.25 जो कि हम लोग निकाले थे सीरीज कनेक्शन के लिए और R1 का वैल्यू है 20। फिर इसे सॉल्व कर देंगे तो सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ जाएगा 5। चूंकि हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं इसलिए यूनिट लिख देंगे वोल्ट। नाउ सेक्शन डी, सेक्शन डी में टोटल 8 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपको 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा और उन क्वेश्चंस के लिए आपको 4-4 मार्क्स मिलेंगे और सेक्शन डी में टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद डायग्राम एंड आंसर इज दिस। इसके लिए हम लोग रिएक्शन को भी लिखेंगे और साथ में डायग्राम को भी बनाएंगे। यदि आपका ड्राइंग अच्छा है तो आप डायग्राम बना लीजिए और यदि आपका ड्राइंग अच्छा नहीं है तो आप एक्टिविटी 2.4 को एक्सप्लेन कर दीजिए जो NCERT बुक में पेज नंबर 20 पर है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन डेली लाइफ फॉर द फॉलोइंग पॉइंट्स। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, pH इन डाइजेस्टिव सिस्टम। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, टूथ डिके ड्यू टू द चेंज इन pH एंड आंसर इज दिस। तो नोट कर लीजिए आंसर को। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ द आंसर, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन इन डिटेल द सोप वॉशिंग प्रोसेस बाय नेसेसरी ड्राइंग एंड आंसर इज दिस। इस ड्राइंग को भी इसमें बनाना है आपको, ओके। वैसे भी यदि आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं लेकिन डायग्राम बना देते हैं आंसर में तो कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाते हैं, ओके। सो इसको नोट कर लीजिए, इसमें ये डायग्राम भी बनाना है, ये मिसल का डायग्राम है और लास्ट में आपको ये डायग्राम बनाना है। ये डायग्राम आप बना भी सकते हैं नहीं भी बना सकते हैं, ऑप्शनल है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड डिस्क्राइब द डाइजेशन दैट टेक्स प्लेस इन इट एंड आंसर इज दिस। इसमें भी आपको डायग्राम को बनाना है, ओके।
और हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट कर देना है या फिर अंडरलाइन कर देना है। और ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन का डायग्राम, तो आपको डायग्राम पूरा ही बनाना पड़ेगा, लेकिन इस चीज को अच्छे से लेवलिंग करना होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड आंसर इज दिस। इसमें भी हम लोग डायग्राम बनाएंगे, तो पहले डिस्क्रिप्शन दे देंगे और उसके बाद फिर डायग्राम बना देंगे। यहां मैं आपको ये डायग्राम दी हूं, यदि किसी बुक में आपको इससे इजी डायग्राम मिलता है तो आप उस डायग्राम को भी बना सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द ड्रॉइंग ऑफ व्हाइट लाइट विद अ ग्लास प्रिज्म। इसके लिए भी पहले हम लोग एक्सप्लेनेशन देंगे और फिर डायग्राम बनाएंगे। आप दोनों में से कुछ भी पहले कर सकते हो, या तो पहले डायग्राम बना दीजिए और फिर एक्सप्लेनेशन लिख दीजिए, या फिर पहले एक्सप्लेनेशन दे दीजिए और फिर डायग्राम बना दीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज सेकंड लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मैग्नेटिक फील्ड अराइजिंग इन अ सोलेनोइड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट बाय डायग्राम एंड आंसर इज दिस। इस क्वेश्चन में भी एक्सप्लेनेशन भी चाहिए और डायग्राम भी चाहिए, तो पहले हम लोग एक्सप्लेनेशन दे देंगे और उसके बाद फिर डायग्राम बना देंगे। आप वीडियो पॉज करके आंसर को लिख सकते हैं और इसमें ये डायग्राम बनाएंगे। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डायग्राम ऑफ हाउसहोल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, सो आंसर इज दिस। इसके पहले एक सैंपल पेपर में सेम क्वेश्चन आया हुआ था, वहां मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखी थी, तो कुछ स्टूडेंट का डिमांड था कि आंसर थोड़ा बड़ा कर दीजिए, तो इस वीडियो में मैं आंसर को थोड़ा बड़ा करके लिख दी हूं। ओके, तो नोट कर लीजिए आप यहां से। और लास्ट में ये डायग्राम बना लीजिएगा। ओके, अब इस सैंपल पेपर के सारे क्वेश्चंस ओवर हो गए और इस वीडियो के बाद मैं मार्बल के और भी सैंपल पेपर के सॉल्यूशंस को देने की कोशिश करूंगी, लेकिन ज्यादातर बच्चों का डिमांड है कि मैथ्स के सैंपल पेपर को सॉल्व करके दीजिए, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैथ्स के भी सैंपल पेपर को सॉल्व करके अपलोड करूं। ओके, दैट्स इट। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और आगे के वीडियोज को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा।